नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मैं रवि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम अपने CGL का जो एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहा है उसे फिलअप करना सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि CGL का जो एग्जाम SSC के द्वारा आया है वो कैसे फिलअप करना है। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा कि CGL ने वैकेंसी निकाली है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑडिट ऑफिसर, ग्रुप B की और ग्रुप C की बहुत सारी वैकेंसी दी गई है SSC के द्वारा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। आज हम उसको फिलअप करेंगे। हाँ दोस्तों, आपको इसके बारे में तो पता ही होगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इसमें विशेष जानकारी दूंगा, चूंकि मैं इस एग्जामिनेशन फॉर्म को आप लोगों के सामने फिलअप करूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहली बात, आपके पास अपना मैट्रिक का रोल नंबर होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ फोटो जो आपकी लेटेस्ट रिसेंट फोटो होनी चाहिए, उस पर डेट प्रिंटेड हो वो फोटो होना चाहिए, और फोटो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इमेज का साइज जो होगा वो 20 KB के आसपास होना चाहिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगर आप हमारे यूजर्स हैं तो कोई बात नहीं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार, मैं रवि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल में। चलिए कुछ सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। ब्राउजर ओपन कर लेने के बाद में मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक नया टैब खोल लेता हूँ और यहाँ से गूगल वाले पर क्लिक करके गूगल ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ से SSC पे क्लिक कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं और SSCNIC.in पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। SSCNIC.in पर क्लिक कर लेने के बाद में ये नोटिफिकेशन है 1 जनवरी को जो आया था, ठीक है, वैकेंसी से रिलेटेड। आप यहाँ से चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं। मैं अभी रीड नहीं कर रहा, अभी मुझे क्या करना है, फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना होगा। चलिए मैं यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर ले रहा हूँ। यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर लेने के बाद में, तो चलिए यहाँ पर मैं करता क्या हूँ कि पासवर्ड फिल कर ले रहा हूँ। पासवर्ड फिल कर लेने के लिए सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फिल करेंगे, उसके बाद जो आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। चलिए मैं पासवर्ड फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ से आपको कैप्चा एंट्री करना होगा। कैप्चा एंट्री करने के लिए आप यहाँ पर दिए गए कैप्चा को देख करके अच्छे से टाइप कर ले। टाइप कर लेने के बाद में आप यहाँ से लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो है SSC का लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वेलकम रविशंकर दिख रहा है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल सकती है कि पिछले कौन कौन से एग्जाम में आप अपियर हुए हैं और अभी कौन कौन से वैकेंसियाँ कंटिन्यू है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप जूनियर सिविल इलेक्ट्रिकल है ना, ये भी है। उसके बाद स्टेनोग्राफर CND, जो भी लेटेस्ट अभी इधर इसकी आई है सारी दिख रही है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2020 और अभी जो लेटेस्ट यहाँ पर है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसी में आपको और भी कुछ मिल जाएगा, अप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफायर रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट या मार्क्स यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अभी मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ, मुझे अभी अप्लाई करना है। सिंपली मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा। देखिए सारा प्रोसेस क्लियर है कि पहले आपको अप्लाई करना होगा, प्रिंट करना होगा, फिर डाउनलोड, ऑफलाइन चलान अगर ऑनलाइन पेमेंट में इश्यू हो रहा है तो करना होगा, पेमेंट करना होगा, पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं, उसके बाद आप अप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं, उसके बाद आप डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करूंगा यहाँ पर मुझे एक फॉर्म खुल के आएगा जिसे मुझे फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप करना होगा, आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जिनका नया रजिस्ट्रेशन है वो इस तरह से नहीं आकर के, उसे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा और वहां पर आप रजिस्ट्रेशन बारी बारी से
करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जबकि मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं क्या करने वाला हूं कि यहाँ पर मुझे वो सारा का सारा रजिस्ट्रेशन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मेरा रजिस्ट्रेशन है वो सब कुछ मेरा ऑलरेडी दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ से दिखने वाला है। यहाँ पर मुझे सिंपली आकर के करना क्या होगा कि सेंटर में एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ लेना है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं पहले पटना सेलेक्ट करा, उसके बाद यहाँ से मुजफ्फरपुर, तीसरा मैं भागलपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये तीनों सेलेक्ट कर लेने के बाद में ठीक है, यहाँ से मैं कर देता हूँ विदर एक सर्विसमैन, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ नो। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। अगर आपके पास स्टैटिकल ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन है तो आप भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैं अभी नो कर दे रहा हूँ। विदर सीकिंग एज रिलेक्शन, यानी कि आपको आई सीमा में छूट चाहिए तो आप इसे यस करें अन्यथा नो करें। चलिए अभी मैं नो कर दे रहा हूँ। अब हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है वो आप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपना हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज कर ले रहा हूँ, बीए ऑनर्स। चलिए यहाँ से ऑनर्स कर लेने के बाद मैं यहाँ ग्रेजुएशन चुन ले रहा हूँ और यहाँ से पासिंग ईयर पास चुन ले रहा हूँ। ठीक है, कब पास किया था मैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी, सॉरी स्टेट, स्टेट यहाँ से मैं बिहार सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए कि मगध यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और यहाँ से आपको अपना रोल नंबर फिट करना होगा। रोल नंबर फिट करने के बाद परसेंटेज डालना होगा। रोल नंबर यहाँ पर चलिए डाल देते हैं, परसेंटेज डाल देते हैं, उसके बाद आपको फिर दिखाते हैं। चलिए तो देखिए, अब यहाँ पर मैंने ये फिलअप कर डाला है आपका रोल नंबर और परसेंटेज। इसको फिलअप कर लेने के बाद में जब आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ DOPT। यानी कि कहने का मतलब है अगर आप चाहते हैं कि अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन रखना तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। मैंने यस करा, उसके बाद मैं फिर जब आगे जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको स्कैन करने के लिए आ रहा है फोटो और सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 20 KB और 50 KB, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए साइज, ना 20 KB से कम होना चाहिए ना 50 KB से ज्यादा होना चाहिए। KB और इसका मतलब किलोबाइट होता है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो हमारे YouTube चैनल पर विजिट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, और हाँ स्पष्ट यहाँ पर लिखा है कि आपको उस पर डेट भी होना चाहिए। ठीक है, फोटो पे आपको डेट होना चाहिए। चलिए मैं फोटो को चूज कर लेता हूँ। अभी मैंने शायद डेस्कटॉप पर फोटो रखा है, चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ओपन। देखिए ये फोटो ओपन हो चुका है। अब यहाँ से मैं साइन को अपलोड कर लेता हूँ, सिग्नेचर को। चलिए मैं सिग्नेचर अपलोड कर ले रहा हूँ, ये सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब देखिए अपलोड कर लेने के बाद में, हाँ तो यहाँ से यस कर लेने के बाद मैं एग्री करता हूँ। एग्री कर लेने के बाद में यहाँ से कैप्चर डाल लेते हैं। कैप्चर डाल लेने के बाद में आप यहाँ से प्रीव्यू करके एक बार देखेंगे। जैसे ही मैं यहाँ से प्रीव्यू करके देखता हूँ, इसमें अगर हमारा कुछ गलती होगा तो मुझे दिखाएगा, नहीं तो ये प्रीव्यू दिखा रहा है। यहाँ से आप सारी अपनी जानकारी देख लेंगे। सारी प्रीव्यू आप देख लेने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ सही है तो आप क्या कर लेंगे, इतना देख लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ मॉडिफाई करना है तो फिर से आप वापस आ सकते हैं। मान लिया जाए कि मैं अभी इसे क्या करना चाहूँ, कि मान लिया जाए मैं अभी इसे करना चाहूँ यहाँ से नो। चलिए मैंने नो कर दिया, और उसके बाद फिर यहाँ से जाके वंस अगेन मैं प्रीव्यू करता हूँ, और यहाँ से आई एग्री और कैप्चा आपको फिर से डालना होगा। जितनी बार आप मॉडिफाई करेंगे उतनी बार आपको कैप्चा और आई एग्री डालना होगा। अब जब प्रीव्यू करता हूँ यहाँ से तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सब कुछ आपका सही सही यहाँ पर दिख रहा है डिटेल्स। अब देख लेने के बाद में ठीक है, यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ कि सबमिट। जैसे मैं सबमिट करा, कह रहा है यू कैन नॉट एडिट फाइनल सबमिशन सो चेक द डिटेल्स केयरफुली, क्लिक ओके इफ यू वांट टू सबमिट।
तो आप क्या करेंगे यहां से करने का मतलब है, एक बार केयरफुली चेक कर लेंगे कि जो आपने सबमिट करा है वो बिल्कुल ही सही है। उसके बाद आप यहां से ओके करेंगे। जैसे ही ओके कर दिया तो ये हमारा क्या हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। ओके कर लेते हैं। अब क्या है कि ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो गया। अब हम चाहे तो फॉर्म को प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे यहां से प्रिंट करा मैंने, तो देखिए यहां से खुलने दीजिए, ये हमारा फॉर्म जो मैंने भरा था, यहाँ पर देख लीजिए फोटो, ये सब कुछ आप यहाँ से जो फॉर्म आपने फिल किया था वो आपको दिख रहा है। आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है यहाँ से आप उसे कर सकते हैं, या फिर आप सेव करके रख सकते हैं। चलिए मैं अभी फिलहाल इसे सेव कर लेता हूँ। मैंने सेव कर डाला, अब यहां से क्लोज करता हूं। इसी प्रकार से आपको यहां से पेमेंट की ये है तो पेमेंट चालान आप भर सकते हैं। यहां पर मुझे पेमेंट फी अभी नहीं लग रहा, मैं एग्जेम्प्ट हूं फी से, तो क्लोज कर रहा हूं। पेमेंट स्टेटस आप चेक कर सकते हैं यहां से क्लिक करने के बाद। अगर आपने पेमेंट स्टेटस के बारे में जानना है, एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में, प्रोविजनली एक्सेप्टेड, फी एग्जेम्प्टेड, प्रोविजनली एक्सेप्टेड, ये सारा कुछ यहाँ से दिख रहा है। उसके बाद ये डबल वेरिफिकेशन और पेमेंट करेंगे तो दिखेगा, लेकिन अभी क्या है कि मेरा कुछ है नहीं, तो वो प्रोविजनली मेरा फॉर्म एक्सेप्टेड है। अब मैं क्या करूंगा कि ये हमारा फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। हाँ, इसके बाद अगर आप चाहें तो एक फ्रेश में रजिस्ट्रेशन करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ, ठीक है, कि वो कैसे करना है। अगर आपको उसके बारे में पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फ्रेश एप्लीकेशन भरने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा, अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो। उम्मीद करता हूँ आज का ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा और आप लोग फॉर्म को कैसे फिलअप करना है एसएससी का वो जान गए होंगे। तो आप लोग फॉर्म को फिलअप करें और होने वाले खर्च जो मार्केट में लगते हैं उसे बचाएं। आप इसे आसानी से मोबाइल पे भी फिलअप कर सकते हैं। और फिर से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ साथ बेल आइकन दबा ले नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मिलते हैं।